बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूँ अल्ट्रा मार। शुरू करते हैं अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। तो दोस्तों, आज मैं आया हूँ ब्लू वर्ल्ड सिटी में और ये मेरे पीछे आप लोग देख रहे हैं बुर्ज अल अरब का रेप्लिका बनाया जा रहा है और दुबई के तर्ज पर जो बुर्ज अल अरब बनाया गया था उसी के तर्ज पर उसका रेप्लिका जो है पाकिस्तान में ब्लू वर्ल्ड सिटी में बनाया जा रहा है और यह आइकॉनिक प्रोजेक्ट है ब्लू वर्ल्ड सिटी का। तो आप लोग देख सकते हैं कि बहुत तेज़ी के साथ इसका काम जो है वो किया जा रहा है और काफ़ी बड़े साइज़ पर बनाया जा रहा है और इसका एरिया भी आप लोग देख सकते हैं काफ़ी बड़ा, पीछे से गुराई में काफ़ी बड़ा साइज़ है और अभी सिर्फ इसकी दरमियान से ढांचा खड़ा किया जा रहा है और नौवां लेंटर आप लोग देख सकते हैं डाला जा चुका है और एक हफ़्ता पहले मैं आया था तो ये आठवें लेंटर पे था। मतलब एक हफ़्ते के अंदर जो है काफ़ी तेज़ काम किया गया और काफ़ी अच्छी डेवलपमेंट की गई है। तो आने वाले टाइम में एक कमर्शियल हब बनेगा और बड़ी अच्छी बिल्डिंग बनेगी क्योंकि इसके टॉप लोकेशन पे जो अपार्टमेंट्स होंगे, ऑफिसेज होंगे, तो उनकी वैल्यू भी काफ़ी अच्छी होगी। तो मैं कोशिश करूँगा इसमें से कुछ ऑप्शन जो है वो आप लोगों के लिए निकालूँ और आप लोग भी यहाँ पे परचेज़ कर सकते हैं और आने वाले टाइम पे आप टॉप पे पीक पे बैठ के जो है पूरे ब्लू वर्ल्ड सिटी का एक अच्छा नज़ारा कर सकते हैं। जिस तरह आज से 10 साल पहले सेंटोरस मॉल में लोगों ने अपने अपार्टमेंट बुक करवाए थे तो कुछ ही लाखों में जो है वहाँ पर अपार्टमेंट ईजिली अवेलेबल था, लेकिन उस टाइम पर कुछ लोगों ने नहीं भी लिए थे। तो यहाँ पर आप लोग आज ले सकते हैं, आप लोगों पर मौका भी है और आने वाले टाइम पर जब ब्लू वर्ल्ड सिटी अपने अरूज पर होगा और फुली डेवलप होगा, फुली जो है रेजिडेंशियल लोग आके यहाँ पे रहना शुरू हो जाएंगे, तो उस टाइम पे इसकी एक अपनी वैल्यू होगी। इसके अलावा आप लोग देख सकते हैं पार्किंग लॉट कितना बड़ा बनाया गया है और काफ़ी बड़े एरिया पे जो है बुर्ज अल अरब बनाया गया है और ये सारी लोकेशन जो है सारी जगह आप लोगों को नज़र आ रही हैं, सारी इसके आसपास पार्किंग है। उसके अलावा नीचे 3 बेसमेंट्स भी बनाई गई हैं जिसमें पार्किंग भी होगी और उसके अलावा सिक्योरिटी का भी सारा फुल प्रूफ इंतज़ाम होगा। तो उम्मीद है आज की मेरी वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी और इंशाल्लाह कल एक नई वीडियो के साथ आप लोगों की खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।